नमस्ते दोस्तों, आज हम सिंगापुर के राजनीतिक परिदृश्य को हिला देने वाले एक महत्वपूर्ण कानूनी मामले को जानेंगे। प्रीतम सिंह, जो कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, वो अभी कोर्ट केस का सामना कर रहे हैं। उन पर क्या इल्जाम है? उन पर आरोप है कि उन्होंने वर्कर्स पार्टी की पूर्व सांसद रेसा खान के मामले की जांच के दौरान एक संसदीय समिति से झूठ बोला था। चलिए अब इसे और अच्छे से समझते हैं। दिसंबर 2021 में सिंह ने सिलेक्ट कमेटी को एक बयान दिया था। ये समिति कान के उस कबूलनामे की जांच कर रही थी जिसमें उन्होंने स्वीकार किया था कि उन्होंने पुलिस द्वारा दुष्कर्म के एक मामले को गलत तरीके से संभालने के बारे में संसद में झूठ बोला था। अभियोजन पक्ष का दावा है कि सिंह ने कान के झूठ के बारे में पता चलने के बाद उन्हें कैसे सलाह दी, इस बारे में अपनी भूमिका को गलत तरीके से पेश किया। खास तौर पर सिंह पर कान को संसद में अपना झूठ सुधारने के बजाय उसे बनाए रखने के लिए कहने का आरोप है। अब यह पूरा मामला 8 अगस्त 2021 को हुई एक अहम बैठक पर केंद्रित है। इस बैठक के दौरान सिंह पर कान के झूठ को सुधारने के महत्व को कम करके आंकने का आरोप है। अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो सिंह को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं जिसमें जेल, जुर्माना या दोनों शामिल हो सकते हैं। हालांकि कानून के जानकारों का मानना है कि सिंह शायद अपनी संसदीय सीट नहीं खोएंगे जब तक कि उन पर RS 10000 से ज्यादा का जुर्माना न लगाया जाए, लेकिन इस मामले में कानूनी नतीजों से कहीं ज्यादा दांव पर लगा है। सिंगापुर के राजनीतिक परिदृश्य पर इसके बहुत महत्वपूर्ण निहितार्थ हो सकते हैं। इस मुकदमे ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एक ऐसी व्यवस्था में विपक्षी दल की भूमिका के बारे में बहस छेड़ दी है जहाँ एक ही दल का दबदबा है। अगर सिंह दोषी पाए जाते हैं तो इससे उनकी और वर्कर्स पार्टी की विश्वसनीयता को बहुत नुकसान पहुंच सकता है जिससे आने वाले चुनावों में उनकी संभावनाएं कम हो सकती हैं। वहीं दूसरी ओर अगर सिंह बरी हो जाते हैं तो इससे एक सैद्धांतिक नेता के रूप में उनकी स्थिति मजबूत होगी और सत्ताधारी पार्टी को करारा जवाब मिलेगा। सिंह के समर्थक उन्हें राजनीतिक प्रतिशोध का शिकार मानते हैं, जबकि आलोचकों का तर्क है कि राजनीतिक संबंधों से परे निष्ठा और जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए। अदालत में सिंह ने किसी भी तरह के गलत काम करने से साफ इनकार किया है। उनका कहना है कि उन्होंने और WP के दूसरे नेताओं ने कानूनी सलाह का पालन करते हुए नेकनियति से काम किया है और न्याय सुनिश्चित करते हुए कथित पीड़िता की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। उनके इस बयान पर मिलीजुली प्रतिक्रिया आई है जहां उनके समर्थक उनके सिद्धांतों के लिए उनके साथ खड़े हैं, वहीं आलोचक सख्त जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। ये मामला सिर्फ एक कानूनी लड़ाई से कहीं बढ़कर है। ये सिंगापुर की राजनीति के भविष्य का एक निर्णायक मोड़ है। इसके नतीजे न केवल सिंह के करियर पर असर डालेंगे बल्कि ये इस बात की मिसाल भी कायम करेंगे कि देश में राजनीतिक निष्ठा और जवाबदेही को कैसे सुनिश्चित किया जाता है। इस मामले में आगे के अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। देखने के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें ताकि आपको ऐसी ही खबरें मिलती रहें। फिर मिलते हैं।